नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम रेसिपी में बनाने वाले हैं मुगलई पराठा। तो मुगलई एक पराठा बनाने के लिए हमारे पास है 2 अंडे कच्चे और हाफ प्याज को हमने कट किया है बिल्कुल बारीक, जैसे ऑमलेट में डालते हैं। और एक हरी मिर्च लिया है, आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, और हमने लिया है काला नमक स्वाद अनुसार। और हमने लिया है एक बाउल में 1 कटोरी मैदा, आप चाहे तो आटा भी यूज कर सकते हैं। तो आटे के अंदर, मैदे के अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 चम्मच यानी कि बिल्कुल 1/4 चौथाई जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है। और इसको इसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल, आपके घर में जो ऑयल यूज होता है आप उसे यूज कर सकते हो। तो हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच जो है इसमें ऑयल, और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हल्के हाथ से जो है पानी के साथ गूंथ लेना है हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। बॉल्स में हमारा जो आटा है वो गूंथ रहे हैं अब बहुत जल्दी से, है जो ये बन जाता है फटाफट नाश्ता है, जो आप आराम से शाम को या ब्रेकफास्ट में कभी भी आप बना के खा सकते हो, खाने में उतना ही टेस्टी लाजवाब लगता है। इसको अच्छे तरीके से हम गूंथ लेंगे, हमारा इसमें लगभग 2 पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए हमारा आटा गड्डू बिल्कुल, देखिए सॉफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम रख देते हैं रेस्ट के लिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ताकि इसमें पपड़ी ना आए। इसको ढक के रख लेते हैं, उसके बाद हम अपना बना लेते हैं अंडा। अंडा बनाने के लिए हमने जो लिया है ऑमलेट में यूज कर लेते हैं, सॉरी हमने लिया है काला नमक स्वाद अनुसार, इसमें 1 फोड़ के डाल लेंगे। दूसरा भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा लीजिए इसके अंदर इधर ऐड कर दिया है। उससे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, और हमने रखा है गैस के ऊपर एक पैन कढ़ाई, तो कढ़ाई को गर्म होने देते हैं क्योंकि हमें ऑयल को जो है गर्म करना है। और उसके बाद हम अंडा को जो है ऑमलेट के लिए तैयारी कर लेते हैं उसका, तो उसमें डाल देंगे हम, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हो रहा है सॉरी, तो इसके अंदर ऑमलेट बना लेते हैं। तब तक इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, इससे अच्छा लगेगा खाने में, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, प्याज, आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसको जो है हम एक ऑमलेट बना लेते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है एक ऑमलेट बन के जो है तैयार हो गया है, अब हम इसे मुगलई एक पराठा आराम से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और अच्छा लगता है। ऑमलेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम साइड करते हैं, और गैस को जो है हमने बिल्कुल फुल फ्लेम पे रखा है ताकि कढ़ाई में जो हमने ऑयल डाला है वो जल्दी गर्म हो जाए। उसके बाद हम अपना पराठे को जो है बना लेते हैं। तो ये देखिए आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया हो गया है, और हम इसमें जो है पराठे बना लेते हैं इसका। तो हम एक पेड़े ले लेते हैं इसके अंदर से, सेप और जो है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, पेड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने इतना बड़ा एक पेड़ा लिया हुआ है, हमने लिए है कुछ सूखे आटे, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे डाल लेंगे, और अच्छे तरीके से जो है इसे हम बना लेते हैं, बेल लेते हैं बेलन से।
तक हमारा ऑयल गर्म हो गया तब तक हम इसे पराठे का शेप दे लेते हैं। इसको हमें बिल्कुल बारीक बेलना है, जितना पतला बेल सको। मैदा एक ऐसा चीज है जो फैलता भी उसी तरह से सिकुड़ता भी उसी तरह से है, तो इसको अच्छे तरीके से जो है हमें बिल्कुल पतला होने तक बेलना है, ताकि ये बिल्कुल पतला कागज के जैसे हम इसे बेल ले। तेल जब गर्म हो जाए तो उसको बिल्कुल मीडियम साइज पे कर ले, नहीं तो पराठा जो है बिल्कुल पतला पतला होता है और मैदा हमारा जल जाएगा और अंडा भी नहीं सिकेगा अंदर से। तो उसको अच्छे तरीके से जो है सिम कर लेते हैं और गैस को, और पराठे को जो है अच्छे से बिल्कुल, देखिए पतला हमने बेल लिया है इसको। इसके अंदर जो है एक को ऐड कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर में जो है हम अंडा डाल लेते हैं और इसको जो है अच्छे तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। इसको थोड़ा दबा ले फिंगर से, और हमने ये दूसरा भी मोड़ लिया दूसरे सिरे से, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस को बिल्कुल मीडियम कर ले और अच्छे तरीके से अच्छे हाथों से जो है इसे हमें उठा लेना है ऊपर। और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने दूसरे जो है एग बनाने के लिए, एग मुगलई पराठा बनाने के लिए हम दूसरे जो है डो को जो पेड़े बनाए थे उसे भी हम बेल लेते हैं। और तब तक हमारा जो है ऑयल में सिक रहा है, बिल्कुल कम फ्लेम पे सेके ताकि ये जले नहीं और अच्छे से जो है हमारा एग जो है वो सिक जाए और अंदर से कच्चा भी ना रहे। तो इसे अच्छे तरीके से हमें सेक लेनी है। तो देखिए हमने दूसरे मुगलई एग पराठा भी फ्राई कर रही हूँ और मैंने इसे भी फ्राई कर लिया। अब इसे हम जो है बाहर निकालेंगे, बहुत अच्छा से जो है फ्राई हो चुका है, आप कलर भी देख रहे होंगे, और इसे बाहर निकाल लेते हैं। एक पराठा बनके हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम देखिए बाहर निकाल लिए हैं और दूसरा को फ्राई कर लेते हैं। दूसरा अभी नहीं हुआ है तो दूसरे को जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फटाफट हमने मुगलई एक पराठा बना के तैयार कर दिया है, आपके सामने है, बिल्कुल जाय बढ़िया और मज़ेदार जायका है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है और बहुत बढ़िया चल रहा है लगता है खाने में। तो एक बार हम इसे कट करके दिखा लेते हैं, आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने सॉस लिया है। अगर हमारा बनाया हुआ रेसिपी जो आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसे हम थोड़ा कट करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक गया है एक भी, और हमारा जो बनाया हुआ है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बना हुआ है। तो आप इसी तरीके से जो है आप घर में ये रेसिपी बनाएं। अगर हमारा रेसिपी आपको बनाया हुआ पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।